प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह एक बार फिर अमेरिका में होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका की उनकी ये दूसरी यात्रा है और इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनका भाषण भले ना हो लेकिन निवेश के साथ कूटनीतिक लिहाज से ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित होनी है। इससे पहले आज आयरलैंड में मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई राह तैयार की। साठ साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री आयरलैंड पहुंचा तो उसका स्वागत शानदार तरह से हुआ। आयरिश पीएम एंडा कैनी ने मोदी को आयरलैंड की जर्सी भेंट की तो स्किल इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर शिक्षा में सहयोग तक कई मुद्दों पर दोनों के बीच बात भी हुई। दिल्ली से न्यूयॉर्क तो हर बार जाना पड़ता है और आकाश में तो यहीं से गुजरते हैं, तो आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लिया तो ऊपर से मैं नीचे आ गया। लेकिन दुनिया की नजर मोदी के अमेरिकी दौरे पर है क्योंकि पीएम बनने के बाद मोदी का यह दूसरा दौरा है। फिर पाटीदार समाज के विरोध की आशंका एक तरफ है तो दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात भी। अमेरिका में एक ही होटल में ठहरने के बावजूद नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात शायद ही हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात तय है तो नजरें उस खास मुलाकात पर भी रहनी है। लेकिन आतंक के खिलाफ भारत और अमेरिका की प्रतिबद्धता को आज दोनों देशों ने फिर दोहराया। We reiterate the threat posed by अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, डी कंपनी एंड द हक्कानी नेटवर्क एंड अदर रीजनल ग्रुप्स दैट सीक टू अंडरमाइन स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। देन वी कॉल फॉर पाकिस्तान टू ब्रिंग टू जस्टिस the perpetrators of the 2008 Mumbai attack। तो सवाल है कि क्या दाऊद के खिलाफ भारत का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है? संयुक्त अरब अमीरात सरकार के सहयोग से दाऊद के कारोबारी नेटवर्क पर पहले ही चोट की जा रही है तो संयुक्त राष्ट्र के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को बैकफुट पर लाने की तैयारी है। चीन से भी कूटनीतिक अंदाज में निपटा जाएगा जो पाकिस्तान का कवच बनता रहा है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, जो आज वाशिंगटन डीसी में जॉन केरी सुषमा स्वराज के बातचीत में भी जिस पर खासा जोर दिया गया, यहां संयुक्त राष्ट्र में हमने देखा है कि भारत ने काफी बार जब कोशिश की है कुछ एक्शन ड्रॉ करने की जकीर रहमान लखवी के खिलाफ या पाकिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकवादियों के खिलाफ, चीन जैसे मुल्कों ने उसे ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, उस पर क्या ज्यादा पुश दिया जाएगा इस बार भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा में? संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जनरल असेंबली में, भारत एक प्रस्ताव लेके आया था 2000 साल में। उसका नाम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो आशा है कि इस 70वें असेंबली सेशन में हम इस कन्वेंशन पे काम खत्म करेंगे और अगले साल तक ये कन्वेंशन हम स्वयं कर सकते हैं। इस बीच अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों की नजर मोदी के हिंदुस्तानियों के बीच के भाषण समारोह पर है। क्या मोदी मेडिसिन स्क्वायर जैसा जादू दोहरा पाएंगे? न्यूयॉर्क से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल आयरलैंड में कुछ देर के लिए रुके जरूर, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो है अमेरिका। अमेरिका पर ही नजर हमारी भी, हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा वहां पर पहुंच चुकी हैं और जो यूएन मुख्यालय है वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दुनिया भर के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, वो स्मिता बता रही हैं। न्यूयॉर्क के सड़कों पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि आज से लगभग 150 देशों के शीर्षाध्यक्ष यहां पहुंचना शुरू करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 70वें सत्र को संबोधित करने के लिए। स्निफर डॉग्स, जो खोजी कुत्ते हैं, वो जगह जगह तैनात हैं। नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान खास करके जोर देंगे जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा पर, गरीबी उन्मूलन को लेकर, साफ सुथरी शहरें और ग्रीन एनर्जी या किस तरीके से साफ सुथरी ऊर्जा का इस्तेमाल हो, इन सब के लिए तमाम देश कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के हेडक्वार्टर्स के ठीक बाहर, मेरी जर्नलिस्ट अशोक भनोट के साथ स्मिता शर्मा, न्यूयॉर्क आज तक।